हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज सुबह सुबह मैंने आप लोगों को अपने गांव का मस्त सा व्यू दिखाया हुआ था। तो अभी ना सुबह के लगभग 11:30 बज रहे होंगे। तो हम लोगों का ना नाश्ता वगैरह तो हो चुका है, बट अभी अब खाना वाना भी बनाएंगे। तो अभी ना मैं जा रही हूँ बाकी अपनी अम्मा लोगों से मिलने के लिए, और परिवार के जो और लोग हैं ना बिरादर वाले, तो सभी बिरादरों से मिलने के लिए जा रही हूँ भेंट घाट करने के लिए। और कल जो मिठाई वगैरह लेके आए थे वो भी देके आएंगे। तो चलिए चलते हैं, बाकी फ्रूट्स ले जा रही हूँ अपनी अम्मा के लिए। अभी आप लोगों को अम्मा से मिलाऊंगी। अम्मा वो वहाँ पे बैठे, देखो वो है अम्मा लोगों का घर उधर, वो देखो। तो चलिए एक बार चलते हैं अम्मा के पास और अम्मा से मिल के आते हैं, और बाकी सब लोगों से भी मिल के आते हैं। चलो, इन पहाड़ों को देखते हुए ना एक सुंदर सा गाना याद आ रहा है, हुसैन पहाड़ों का क्या कहना, हुसैन पहाड़ों का क्या कहना, कि बारो महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। तो अलग ही बात है पहाड़ों में, लेकिन देखो रास्ते में चलते चलते यहाँ पे रास्ते में ही पुदीना भी लगा हुआ है, और वो भी इतना अच्छा हरा भरा सा बिल्कुल। और चाची ये क्या है, ये हल्दी जैसा, ये पता नहीं यार क्या है, फूल फूल ही है ना, पीले पीले रंग के फूल होते हैं इसमें। हाँ देखो फूलों के इतने ज्यादा लगे हैं पेड़। और केले के पेड़ देखो हमारे, ये देखो केले भी लगे हैं, केले भी लगे हैं हमारे। वाह, चलो चलते हैं लोगों का, जो कि और ये देखो दोस्तों यहाँ पे अखरोट का पेड़ भी है। पहले ना यहाँ पे हुआ करता था बहुत बड़ा सा अखरोट का पेड़ ना सम्मा, इसी जगह पे हुआ करता था, अब यहाँ पे गोबर डाल के सेब का पेड़ सूख गया। ओए होए, सेब का पेड़ तो सूख गया, उसको पानी खाद नहीं मिली होगी। पानी तो है ना। तो दिन के वक्त सब लोग अपने अपने गायों को अंदर बांध देते हैं। बाकी ये आंगन है दादी लोगों का, यहाँ पे ना गाय बांधते हैं। अब चाची जा 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 जा, कैसे हो रहे हो? वाह बढ़िया, तुम कैसी हो रही है? बस बढ़िया, तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है, बैठ। आई हूँ आप लोगों से मिलने, हमारी चाची बाप रे जवाई जवाई नहीं ब्लॉग है वो, जवाई नहीं जब हमारी चाची है, चाची का ब्लॉग में स्वागत है। मुझे तो खुशी नहीं, कल फोन में आएगा आपकी शक्ल। देखो अंगूर हमारी अम्मा लोगों के, गजब। अरे फोन वगैरह भेजा मानो, बहुत खुशी है। नाची थे नाची करी, अरे अच्छा वाले अब बहुत ही करी हो ना, ये सब जाना ऐसी हो रही, तब बाबू आज तो अच्छी हो रही है, ऐसी हो आप कितनी तबीयत खराब हो जाती है। खुशी भैया फोन मेरे को तो बात करे यार, अम्मा कैसी हो रही है, अम्मा कैसी हो रही है, बहुत ठीक हो रही है। अच्छा भैया पापा जी नानी बोल दे प्यार कर दे नानी को, आओ जाओ आगे वो जाओ करने जाते हो चलती होगी अब तो? हाँ चलती है, दौड़ती है, ठीक है, कोई देर में बुला। अब जाते जाते ना अम्मा के अंगूर खा के जा रहे हो, पर खट्टे हो रहे हैं, ये तो पक गए हैं थोड़े बहुत, लेकिन खट्टे बहुत हो रहे हैं। ये हमारा ब्राउनी देखो हमारा इंतजार कर रहे हैं नीचे बैठे, माँ की खुशी। देखो अंगूरों से लद रखा है पूरा यार पेड़, ये देखो कितने सारे लगे हैं, ये तो कच्चे कच्चे हैं। देखो दोस्तों इसे कहते हैं डलिया,
हमारे इधर साइड ना जैसे अल्मोड़ा मतलब पिथौरागढ़ साइड आप लोगों ने देखी होगी जिसमें घास लेके आते हैं उसे कहते हैं डुक्का, लेकिन हमारे अल्मोड़े साइड ना ये है डलिया जिसपे कि गोबर लेके आते हैं, घास लेके आते हैं और इसको ना कुछ इस तरीके से रखते हैं सर में, देखो देखो ऐसे रखते हैं पहाड़ी बाटू माँ। तो चलिए अब है वहाँ पे बाखली जो कि हमारे पुश्तैनी घर है, आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो ताई जी, ताई जी ताई जी ताई जी ताई जी ताई जी ताई ताई जी 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 ये देखो ये है वो घर जो पुश्तैनी वाला जहाँ हमारे पापा लोग सभी लोग पैदा हुए थे, कहते हैं बाखली पहाड़ी बाखली। बॉस हो गई ये अम्मा के यहाँ, यहीं पे लाई थी वो अम्मा के साथ ही सो गई वहीं पे, फिर वहीं पे रखवा दिया। कतवा रहा छुट्टी? बस थोड़ा ही 5-10 दिन बस। हाँ ये पूलम का पेड़ है खुमानी का, खुमानी में अच्छा ना पड़ गया पर ये बार ना क्या हो जा रहा है ओए ओका तो आ हो क्या हुआ क्या भाई बाजी का रूम तुम का फोन बता दे उन घर दूध में जा रहा हूं। अच्छा ये मुझे बाखली में पहले अम्मा लोग सभी लोग इसी बाखली में रहे हुए, हमारी अम्मा हो गई और है ना ताई जी, बड़ी अम्मा हो गई, हमारी अम्मा हो गई, पापा लोग हो गए, सब यहीं पैदा हो रखे हैं सभी लोग। अब ये जो है ये तो बाद में बन रखे हैं, पहले तो इतना ही था पहले टाइम पे, सिर्फ ये वाला और ये जो उधर को मकान बना उधर को बना ये तो बाद में बने ना ताई। हाँ ये थी पहाड़ी बाखली हमारी, ये देख हमारी भाभी बुत्ती जैसी नहीं बनी है यार भाभी, अच्छी बनी है। लाया तुम मुँह मीठा, पहली बार आई हूँ ना मैं, मुँह मीठा तो करूंगी। ये भाभी की दो पुत्रियाँ, आओ पुत्रियाँ, पुत्रियाँ अपना नाम बताओ, क्या क्या नाम है? रावत, खुशी रावत, मीनाक्षी रावत। अच्छा मीनाक्षी रावत, मैंने कहा खुशी रावत कह लिए, भगवती रावत नाम देखो भगवती रावत। गुड़िया भानु बोलते हैं तुझे, प्यार से क्या बोलते हैं, प्यार से क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ये देखो हम लोगों के खेत, और ना यहाँ आके ऐसा लग रहा है ना, पहले तो हम ही लोगों की थी सिर्फ अंगूर की बेल और यहाँ अम्मा लोगों की थी, अब ना ऐसा लग रहा है कि जहाँ देखो अंगूर ही अंगूर, ये देखो इतने सारे अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं, दोस्तों कल ना मार्केट से आते वक्त ना मैं अम्मा के लिए रियल जूस लाना चाह रही थी लेकिन मार्केट में मैं भूली गई, मुझे याद ही नहीं रहा, तो अभी ना हम नीचे चाची लोगों की दुकान में जा रहे हैं, यही अम्मा की बहू है तो इनकी नीचे दुकान है, तो चलो चाची लोगों की दुकान पे जाके आते हैं और नीचे चाची से भी मिल के आते हैं और जूस भी अम्मा के लिए चाची की दुकान से लेके आते हैं। दोस्तों देखो लौकी कद्दू की कितनी बड़ी बड़ी बेलें गई हुई हैं और बैगन वैगन भी, बीन्स भी, सब कुछ लगने लग गया पहाड़ों की। मैं मत करना लंबो, हमारी चाची की दुकान क्या? अरे प्रणाम।
हमारी बिजनेस वुमेन देखो गाइस। हेलो ककड़ी लगी है दोस्तों, देखो मस्त पेड़ काट रही है, ठंगर काट रहे हो ठंगर। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मेथी दाना। वो बिल्ली देखो, बिल्ली बिल्ली खींच खींच नम लगा के हईसा, एक भी नहीं है इसमें, खुमानी का पेड़ है यार। सागे कहीं दिख रहा है सम्मा खुमानी? हाँ दिख रहे हैं, ऊपर मैं दिखाऊंगी आपको, यहाँ पर भी धनी खड़ी हो रही है, वहाँ पर देखो वो है। अच्छा हाँ हो रही, यहाँ तो मैं दिख रही हूँ, एक दो है दीवार में चढ़ के, तो लंबी है दीवार। ये देखो सम्मा ने गिरा दिया, ये रही खुमानी, वाह ये भाभी ने दे दी, दो खुमानी हो गई। अमानी मैं नहीं खा रही, मैं आप भी खा के आए हैं। अम्मा के यहाँ से इतने अंगूर तोड़ लिए, ऐसे गल जा रहे बिल्कुल, इतने अच्छे ना एकदम, ये देखो। तो दोस्तों सभी रिश्तेदारों से भेंट घट करके तो आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं ये वाली अम्मा के पास, ये वाले घर पे जा रहे हैं अब हम, ये भी बखाली ही है। और ये वाली अम्मा ना, ये वाली अम्मा जो है इनसे थोड़ा हमारा खास रिश्ता है, जहाँ भी हम गए थे वो लोग तो सब परिवार वाले हैं, पर ये वाली अम्मा अरे अम्मा जो है ना इनसे बहुत खास रिश्ता है। ये अम्मा हमारी अम्मा की बहुत खास मित्र है, और जब तक हमारी अम्मा थी तब तक ये अम्मा से, तब से ही मतलब बहुत पहले से ये अम्मा से बहुत ज़्यादा खास रिश्ता है हमारा, तो इसलिए ये अम्मा से भी अब मैं आई हुई हूँ तो मिल के आती हूँ। अम्मा के लिए भी मैं मिठाई वगैरह दे के आई हूँ, अम्मा से भी मिल के आती हूँ और मिठाई वगैरह दे के आती हूँ। तू मठू मठू ही टली, देखो अम्मा ने कितना कुछ बो रखा है, कद्दू हो गया, गोभी हो गई है, हाँ चाची ने बोया अम्मा की बहू ने, हाँ ये देखो गोभी टमाटर फूल सब बोर के आलू है वो, हाँ ये तो आलू है उधर को देखो, और यहाँ भी देखो केले के पेड़ हमारे, केले के। अम्मा हमारी तो मैं आई दोस्तों अम्मा से मिलने, तो यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं देखो मिलने के लिए, गांव की ताई जी, गांव की चाची, ये देखो बाटली में आके क्या वाइब्स आ रही है मस्त सी। देखो अम्मा के घर आए हुए हैं अभी, अम्मा के घर में ना काफ़ी लोग मेरे को देख के सभी लोग आ गए मिलने के लिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और देखो हमारा गांव बाखली, देखो आपको ना बाहर से दिखाऊंगी बाखली का आंगन पूरा, ये देखो कितनी मस्त लग रही है ना, कितनी अच्छी वाइब आ रही है, वाओ। ये देखो देखो बस गांव में आके ना बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आने लग गई है। देखो दोस्तों सब लोग यहाँ पे मिलजुल के ऐसे बैठे रहते हैं और बातें करते हैं, और दिल्ली में ना हम लोगों को ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। हमारी अम्मा की याद आती है आपको? बहुत आती है, हाँ मेरे को देख के आई अम्मा की याद। अच्छा अम्मा आपको कितना अच्छा मानती थी ना, साथ ही बैठे रहते थे आप, हाँ यहाँ पे आती थी आप तो रोज आते थे वहाँ पे जब अम्मा थी, अब तो यहाँ पे जा ही नहीं पाते होंगे ना। हाँ दोस्तों अम्मा, मेरी अम्मा और ये अम्मा ना बेस्ट फ्रेंड थे, बिल्कुल साथ ही रहते थे हमेशा।
अम्मा को देख के ना अपनी अम्मा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। हमारी अम्मा तो गुजर गई लेकिन अपनी यादें छोड़ के गई हैं पीछे अपने अम्मा की बहू चाची हमारी। चाची हेलो बोल दो। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस। चाची अरे वाह ये क्या है पुए ना किस चीज़ के हैं ये पुए वाव पहाड़ी हरी सब्जी खाने का मन तो कर रहा लेकिन मेरा पेट चाची गले तक का भर है जबरदस्ती इतना सारा खा के पेट फूट जाएगा मेरा मेरे पति बोलेंगे इतनी मोटी होके आ गई वहां से बस ना इतने ज्यादा खाना लो बस एक ही दो चाची ने मेरे को पूड़ी पुए आज चाची लोगों के यहाँ जो बड़े चाचा है हमारे उनकी लड़की हुई है हाँ अच्छा वो ताऊजी हुए हैं ना हाँ तो उनकी नातनी हुई है तो उस खुशी में आज पूड़ी उड़ी बनी है चाची के यहाँ।